अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो आल्सो एंड यू विल गिव योर फीडबैक्स। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है उन न्यू कमर्स के लिए जो एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी बॉडी कब बनेगी, यानी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक अ गुड फिजिक। So let's start today's topic. So viewers, exercise start करने से पहले मैं आपको recommend करूँगा कि अपने कुछ photographs ले लें, अपने सामने के view से, अपने side के view से और अपने back के view से अपनी चंद photographs रख लें अपने record में, और साथ ही अपने chest की measurement कर लें सामने से, और अपनी वेस्ट लाइन की मेजरमेंट कर लें, और अपने आर्म्स की मेजरमेंट कर लें, और अपनी लेग्स की मेजरमेंट कर लें, और इनको अपने पास कहीं डायरी में, कहीं नोटबुक में इनको भी सेव कर लें। और आपको इसको रूटीन बनाना है कि हर महीने आप इन सारी चीज़ों को दोबारा से मेजर करेंगे, ताकि आपको आपका जो डिफरेंस आना शुरू हो गया है बॉडी में, बॉडी वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसको आपने मॉनिटर करना है। आपकी बॉडी के साइज़ में, इंचेस में कितना फ़र्क आ रहा है, इसको आपने हर महीने मॉनिटर करना है। तो ये है सबसे पहले, आपने स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज ये सारे काम करने हैं। तो व्यूवर्स, इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू नो योर बॉडी टाइप। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज फॉर अ फिटनेस रूटीन। सबसे पहले बारी आती है एक्टोमॉर्फ्स की, यानी जिस इंडिविजुअल की वेस्ट स्लिम होगी, अराउंड 30-32 इंचेस होगी, और शोल्डर्स भी स्लिम होंगे, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होंगे, उसे हम कैटेगरी देते हैं एक्टोमॉर्फ्स की। इसके बाद बारी आती है मेसोमॉर्फ्स, यानी आइडियल बॉडी बिल्डर्स। इनकी वेस्ट लाइन 30-32 होगी, मगर जो चेस्ट का डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट 12-15 इंचेस हो सकता है, मिनिमम 12 इंचेस होता है। दीज आर कॉल्ड बाय बर्थ बाय बोन बॉडी बिल्डर्स। और एक थर्ड कैटेगरी है जिनको हम एंडोमॉर्फ्स कहते हैं। इनकी कैटेगरी, इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनकी वेस्ट लाइन भी ब्रॉड होगी, और इनके शोल्डर्स भी ब्रॉड होंगे, और इनके जॉइंट्स भी थोड़े से थिक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप। अगर आपकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है तो आपको गेन करने में टाइम लगेगा, बिकॉज एक्टोमॉर्फ्स आर हार्ड गेनर्स, यू विल टेक मोर टाइम। इफ़ यू आर मेसोमॉर्फ्स, दैट्स एन ओरिजिनल बाय नेचर आइडियलाइज फिजिक, और मेसोमॉर्फ्स को गेन करने में टाइम कम लगता है। इसी तरह अगर आप एंडोमॉर्फ्स हैं, यानी आप मोटे हैं, नेचुरली आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो आपको भी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप, ताकि आपको मालूम हो कि मुझे कितने टाइम में गेन करना है। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो पहले 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशल है। आपको एक्सरसाइज को सीखना है, अपनी बेस बनानी है। तो इन 3 महीनों में आपने मिक्स एक्सरसाइजेस करनी है, और ज़्यादा कोशिश करनी है कि मशीन्स पे एक्सरसाइज करें, फ्री वेट्स को स्टार्ट में ज़्यादा वर्कआउट में शामिल ना करें। मशीन्स हेल्प करती हैं आपको एक्सरसाइज करने में, और आपकी बॉडी पे लोड कम आता है, और नेक्स्ट डे एक्सरसाइज का जो पेन होता है, जो एक टर्मिनोलॉजी बड़ी फेमस है, नो पेन नो गेन, तो वो ज़्यादा पेन आपको फील नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सोरनेस नहीं होनी चाहिए, यानी अफोर्डेबल सोरनेस होनी चाहिए। जब आप मशीन पे वर्कआउट करते हैं तो चूंकि बॉडी के ऊपर लोड डायरेक्ट कम आ रहा होता है, तो आपकी सोरनेस भी कम होती है। तो पहले 3 महीने आपने अपनी बेस बनानी है, उसमें इंजरी से महफूज रहने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आपको कोई इंजरी ना हो, और इंजरी उस वक्त नहीं होगी जब आप मशीन्स पे वर्कआउट कर रहे होंगे। मॉडरेट किस्म का वर्कआउट करेंगे, मिक्स बॉडी पार्ट्स का वर्कआउट करेंगे, हफ्ते में 3 या 4 दिन आप वर्कआउट कर लें। इसमें मेजर बॉडी पार्ट आपके चेस्ट, थाइस और आपकी बैक होगी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और इसके आगे फिर क्या रूटीन आपने फॉलो करनी है 3 महीने के बाद, वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया में जो भी बच्चे, जो भी बॉयज़ कॉलेज में आए और उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो उनको बेसब्री बहुत होती है कि जल्द अज जल्द हमारी बॉडी में चेंज आ जाए, और हम हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स की तरह नज़र आना शुरू कर दें। और रोज़ाना मिरर देखने के लिए अपने आप को मिरर के आगे खड़ा कर लेते हैं, और अपने मसल्स को देखना शुरू करते हैं, और शायद उनको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो 3 महीने आप अपनी बेस बना लें,
बॉडी आपकी ज़रूर बनेगी, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के बताता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। तो पहले 3 महीने में तो आपके अंदर कोई ख़ास चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि आप अभी लर्नर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, आप अपनी बेस बना रहे हैं। तो बॉडी की कंपोजिंग आपकी होनी स्टार्ट हो गई है, मगर इतना रैपिड चेंज आपके अंदर आने वाला नहीं है। हर महीने आपको एटलीस्ट 2 kg वेट गेन करना है। कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर मेजरमेंट में भी आपके चेंज आएगा। और दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं बॉडी कंपोजिशन के अलावा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और आपको इन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी कार्डियो हेल्थ, आपकी मसल्स की हेल्थ, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की, आपके सारे सिस्टम की हेल्थ अच्छी हो जाती है। और उसका साइन ये है कि आप अच्छे जब हेल्दी होते हैं तो आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह आपके करीब से भी नहीं गुजरती। बड़ी डिजीज तो बहुत दूर की बात है। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलता है कि आपकी फिटनेस अच्छी हो जाती है। फिटनेस अच्छी होने के साइंस क्या हैं कि एक स्टैंडर्ड है फिटनेस को मेजर करने का, कि अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आपको 40-50 पुशअप्स करने चाहिए, अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आपको 10-15 चिन अप्स यानी पुल अप्स करने चाहिए। तो अगर आप ये मेजरमेंट इनको अपना फॉलो कर रहे हैं और इनको मॉनिटर कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है, 3 महीने में आप बीमार नहीं हुए, आपको कोई इंजरी नहीं हुई, आपका हेल्थ का लेवल अच्छा हो गया है, दूसरा आपकी फिटनेस का लेवल अच्छा हो गया है कि आप देख रहे हैं कि मैं कितने पुशअप्स कर सकता हूं, और एक्सरसाइज जब शुरू की थी जब 5-10 भी नहीं होते थे, अब आप 30 पुशअप्स या 40 पुशअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स आप 1 या 2 भी नहीं कर सकते थे, अगर आप 5 से 10 चिनअप्स कर रहे हैं तो आपका फिटनेस का लेवल भी इसके साथ साथ एक्सरसाइज से अच्छा हो रहा है। इन दोनों बेनिफिट्स को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरा बेनिफिट इसमें क्या मिल रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जहाँ शाय थे, लोगों से बातचीत करने में आप हेजिटेट फील करते थे, नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू कैन टॉक टू एवरीबॉडी विद कॉन्फिडेंस। तो व्यूअर्स, बात कर लेते हैं 3 महीने के आगे के सेशन की। अब आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स का सेशन, और ये आपके लिए वेट गेन करने का सेशन है। आपने स्टार्ट में एक्सरसाइज को सीख लिया, आपने एंगल्स को ठीक कर लिया, आपको एक्सरसाइज के नाम मालूम हो गए, मशीन्स के नाम मालूम हो गए, आपको मालूम हो गया कि कितने बॉडी पार्ट्स को मैं एक दिन में ट्रेन कर सकता हूँ। अब आपका टारगेट जो अगले 6 महीने के लिए वो पुट ऑन वेट है, आपको 8 से 10 किलो एटलीस्ट अपने ऊपर वेट को पुट ऑन करना है। एक आर्टिस्ट की तरह, जैसे कि एक स्कल्पचर बनाया जाता है तो फ्रेम के ऊपर क्ले को लगाया जाता है, अब आपने अपनी बॉडी पे क्ले यानी एक्स्ट्रा वेट गेन करना है, अपना वेट को, एडिशनल वेट को आपने पुट ऑन करना है। अगर आप 75 केजी के थे तो आपने टारगेट करना है कि इन 6 महीनों में मेरा वेट 85 केजी हो जाए। 85 केजी करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स, मोर फैट एंड अ डिसेंट लेवल ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। जितना ज़्यादा मीठा खा सकते हैं वो खाइए, जितने ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाइए, आपको सरप्लस ऑफ कैलोरीज में जाना है, यानी अगर आपको 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है तो आप 2500 कैलोरीज खाएं, ताकि आपका 6 महीने में 8 से 10 kg अब वेट पुट ऑन हो जाए। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि हमारी एक्सरसाइज की अब रूटीन इन 6 महीने में क्या होनी चाहिए। तो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 1 body part ईच डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मंडे को बैक या चेस्ट लगा लें, ट्यूसडे को आप चेस्ट या बैक में से दोबारा कुछ एक लगा लें, यानी मंडे को आपने बैक लगा ली, ट्यूसडे को आपने चेस्ट लगा लिया, वेडनेसडे को आप लेग्स लगा लें, थर्सडे को आप शोल्डर लगा लें, और फ्राइडे को आप ट्राइसेप्स लगा लें, और सैटरडे को आप बाइसेप्स लगा लें, यानी 1 body part पर डे आप कर रहे हैं, और 6 दिन में आपके 6 body part पूरे हो जाते हैं। अब रह गई बारी एब्स की, स्टमक की, तो इसकी बारी कब आएगी। तो हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज में, यानी मंडे आप कार्ब्स की रूटीन को फॉलो करें, ट्यूसडे ना करें, रेस्ट करें एब्स का, इसी तरह ऑल्टरनेट डेज में आपने कार्डियो एक्सरसाइजेस साथ साथ करनी है और एब्स का वर्कआउट भी उसके साथ साथ करना है। तो व्यूअर्स, आफ्टर 9 मंथ्स, शुरू के 3 महीने आपने अपनी बेस बनाई, अगले 6 महीने में आपने अपना वेट गेन किया और बड़े मसल्स के ऊपर आपने वर्कआउट किया, हर महीने आप चेक कर रहे हैं कि आपका 2 kg से 3 kg वेट गेन हो रहा है, अब नेक्स्ट 3 महीने आपने क्या करना है इसको डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि साल के आखिरी 3 महीनों में क्या होने वाला है, आखिर मेरी बॉडी कब बनेगी। ये क्वेश्चन अब तक आपके माइंड में पॉपअप हो रहा होगा, तो मैं अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आपकी बॉडी के बनने का, आपकी बॉडी की कंपोजिशन का।
एक्सरसाइज के सारे बेनिफिट्स आपको मिल चुके हैं, अब आपने जिस मकसद के लिए जिम में एडमिशन लिया था उसका टाइम आ चुका है. तो नाउ यू हैव टू हिट द फाइन कंपोजिशन ऑफ योर बॉडी, अ डिसेंट लुक. आपने जो वेट पुट ऑन किया है ऑलमोस्ट 10 kg 9 months में, इसमें से 2 से 3 kilo कट करने का टाइम आ गया है, जो कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट आ चुकी है. बाकी जो आपने वेट पुट ऑन किया है वो मसल्स का साइज है. अब आपको क्या करना है कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना है, यानी जितना आपका वेट पाउंड्स में है, फॉर एग्जांपल आपका वेट 180 पाउंड्स है तो आपको 180 ग्राम्स तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए. और प्रोटीन कितना लेना है, अब आपने प्रोटीन का लेवल भी बढ़ाना है. पहले आपके प्रोटीन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, अब आपको प्रोटीन भी जितना आपका बॉडी वेट पाउंड्स में है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन भी लेना है, या इससे थोड़ा कम भी ले लेंगे तो चूंकि आपने 9 महीने में काफ़ी वेट पुट ऑन किया हुआ, आपके मसल्स की ग्रोथ हो चुकी है, अब आपने कट डाउन करना है फैट को. जब आप कट डाउन करेंगे फैट तो आपके मसल्स खुद ब खुद प्रोमिनेंट हो जाएंगे. अब आपने अपनी वर्कआउट की रूटीन को भी चेंज करना है. पहले आप 1 body part पर डे लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे 1 body part की, नाउ यू हैव टू हिट 2 body parts पर डे. फॉर एग्जांपल मंडे को आप चेस्ट एंड बैक एक साथ लगाइए, ट्यूसडे को आप थाइस एंड शोल्डर्स इन दोनों को हिट करें, और थर्सडे को ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, यानी 3 दिन में आपकी पूरी बॉडी की वर्कआउट की रूटीन आपने पूरी कर ली. इसी तरह 6 दिन में आप 2 दफ़ा हर बॉडी पार्ट को लगा सकते हैं, और साथ कार्डियो एक्सरसाइजेस हो रही हैं आपकी 3 days in a week एंड आपके एप्स की एक्सरसाइजेस 3 days in a week हो रही हैं, तो अब आपको वर्कआउट डबल मिलने लग गया है पहले की रूटीन के मुकाबले में. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू कंपोज योर, यू आर कंपोजिंग योर बॉडी नाउ, यू आर कटिंग डाउन द फैट रेशियो ऑफ योर बॉडी. आपको इसको कोशिश करनी है सिंगल डिजिट में लाने की. सिंगल डिजिट में अगर आप ना भी ला सके, 10-12% फैट मिल रहा है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिसेंट फिजीक नाउ. तो व्यूअर्स, अब आपको अंदाज़ा हुआ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का क्या मतलब है. इसी तरह आपको अपनी बॉडी को हर महीने चेक करना चाहिए, उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, बॉडी वेट चेक कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है. तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो. होपफुली आपने लर्न किया होगा, आपको पसंद आई होगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक से आगाह करें. अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक का बटन प्रेस करें, अपने कॉमेंट्स दीजिए.